हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुर्रम और मेरा नाम है वजात। और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं मर मिटेंगे मूवी के जूनियर एनटीआर के बेस्ट एक्शन फाइट सीन पर। कॉमेडी सीन है। हाँ, चल भाई साहब, वही तो आप वॉच करते हैं भाई। वॉच करने के बाद ही पता लगेगा भाई साहब कि भाई आखिर ये कैसा होने वाला है, क्योंकि भाई अक्सर आजकल हम लोग बड़े फाइट शाइट वाले कर रहे हैं ना, तो भाई साहब वो फाइट वाले ही लेवल लग चला भाई। भाई वॉच करते हैं भाई, कड़ा ऑन करते थोड़ा अनशन यार। वैसे जूनियर एनटीआर का कॉमेडी सीन कैसा? पहले तो कभी नहीं था, मतलब ज्यादा उनकी नहीं होती फाइट। अबे हमने तो सुना ही है जूनियर एनटीआर का कॉमेडी भी है। हाँ पता है, उसे दिया हुआ टाइम खत्म हो गया, चलो अब चलते हैं। अभी बड़ा मस्त एक्टर है, ये होता तो यार आ गए। अच्छा आ गई, कितना शरीफ बन के आया हुआ है बे। हाँ किसे मिलना है बे? हाँ शिवा गैंग वाले आप ही है ना? कोई शक वदा। अच्छा शिवा गैंग वाले यही हैं। ये क्या चक्कर है बे? सारे काम हो पता नहीं सा। अब अपनी बैटिंग, तू तो गया। मेरा विकेट गिर गया। ये सबको क्लीन बोल्ड कर देगा। अबे ये साल डर नहीं रहा। अब लोखंड से मारेगा क्या? नहीं भैया मत मारो, अपने छोटे भाई को मत मारो, आपने तो मुझे क्लीन बोल्ड कर दिया। 2 महीने बाद शादी है मेरी, मैं कुछ करने लायक नहीं रहूंगा, आप इतना क्यों मार रहे हमें? डर के मारे। पर क्यों? कल आप हनुमान नगर में आए थे ना? शिवा गैंग, क्या तुझे कोई आंडू पांडू गैंग लगती है? कल पैसे लेकर गोडाउन में आ जाना, पूरे 50,000 लेकर आना, नहीं तो हमारी गैंग तेरी बैंक बैंक कर देगी। उसने तुम्हें हमारी सुपारी दी है? नहीं नहीं, मैं 5 सुपारी कुछ नहीं लेता। तो हमें बिना डिटर्जेंट के क्यों धोया? ठीक से याद कीजिए, जाते जाते आपने वार्निंग दी थी। कल अगर 12 बजे तक तू पैसे लेकर नहीं आया तो मैं सिर्फ तुझे ही नहीं, तेरे पूरे हनुमान नगर वाले लोगों को इस शहर के मैप से गायब कर दूंगा। मैं कल अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने हनुमान नगर आया था भाई, अगर वो आदमी आपको पैसे ना देता तो आप बहुत गुस्से में आ जाते और फिर वार्निंग के मुताबिक आप हनुमान नगर के साथ मुझे और मेरी गर्लफ्रेंड दोनों को गायब कर देते, तो मैंने सोचा उससे पहले मैं ही आपको ढूंढकर आपको गायब कर दूंगा। इसीलिए कल रात भर जागकर मैं यहाँ आकर आप लोगों को टपकाने की प्लानिंग कर रहा था। वो वार्निंग तो मैं सिर्फ उसे डराने और धमकाने के लिए दे रहा था। देखिए भाई, किसी को भी डराइए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझ जैसे हीरो को कभी मत डराइएगा। वो क्या है, मैं डर से डरता हूँ, इसीलिए लोगों को पीटता हूँ। अच्छा डर के मार, अब क्या भाई सुनिए, सॉरी बोलना था। तुझे डर लगता है तो तू क्या करता है? छुप जाता हूँ कहीं। और तू? मैं अपनी पैंट गीली पीली कर देता हूँ। जब ये डरता है तो ये दूसरों को क्यों डराता है? ऐसा कौन सा स्टाइल है उसका? उसे बुलाकर पूछे क्या? वो टपोरी तुमको मार के गया, चलो ससुराल। क्यों? उसने तुम सबके खिलाफ कंप्लेंट की है, इसलिए तुम लोगों को मार के डर गया कि कहीं तुम कंप्लेंट ना कर दो, इसलिए वो फंस आया। अबे क्या चीज है, डर लगने पे सबको मारता और डर लगने पे सबकी कंप्लेंट भी करता है, ऐसा कैसे डरपोक है? उसे बुलाकर पूछे क्या? नमस्ते भाई। साले 5,000 रुपए के लिए मेरे आदमियों को तेरे पीछे दौड़ा रहे, जेब ढीली कर वरना पैंट गीली करता हूं। जेब तो फटी हुई है। साले डाल दूंगा। इधर क्या सिनेमा चालू है? अगर किसी ने अपना मुंह खोला ना तो सिर्फ इसी को नहीं, सभी को टपका डालूंगा। मुझे मत टपकाना। ये कौन है? अबे भैया भैया, कौन बोला? कौन बोला तू यहाँ? डरो मत भैया, तुम्हें डरता देखकर सभी को भी डर लगता है। अरे भैया तुम तो हनुमान नगर के हो ना, तो फिर ये एरिया में कैसे आ गए? मुझे लगा आप मुझे ढूंढने वहाँ जाएंगे तो मैं यहाँ आ गया, लेकिन आपके हाथ में ये चाकू क्यों है? आप इससे मुझे मारेंगे ना? नहीं, 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 ये तो नकली है, खिलौना है। भाई नीचे क्यों देख रहा है? ये तो वही बैग है, ये तो फिर बैटिंग करेगा। ये तो ये भाई गेम तो देख रहा है।
हमें इसके डर को भगाना होगा। अपने डर को भगाने के लिए सबसे पहले हमें उसके डर को भगाना होगा। हो जाएगा। कैसे? अब तो मत कर फिकर, इसे पी ले, भाग जाएगा तेरा डर। उसकी आदत नहीं है भाई। ठीक है, मैं ही पी लेता हूँ, मेरा डर भाग जाएगा। तू तो कह रहा था आदत नहीं। पिताजी को नहीं है, मुझे तो है। तुम्हारे पिताजी को सिगरेट की आदत है? मुझे है ना भाई। भाई ये जो आपके पिताजी हैं, ये इस वक्त कहाँ होंगे? यही बगल में बैठे हैं। कहाँ पे? किसके बगल में? कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहे? ये रहे। अबे हाँ, यही तो बैठे हैं। यहाँ? अबे इधर तो कोई नहीं है। तुझे दिख रहा है? भाई ये चूरन दे रहा है या फिर इसे चढ़ गई है। ये क्या पिताजी, किसी को मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा। ये ग्लास उठा कर यहाँ रख दीजिए। हम तो डर भगाने के लिए यहाँ बैठे थे, आप तो और ज्यादा डरा रहे हैं। नहीं भाई, आपने कहा पिताजी दिखाओ। ठीक है, सीधी बात, आपस में नो बकवास। बताओ तुम्हें किस चीज से डर लगता है? मैं तो आपसे ही डरता हूँ। फिर वही, अरे मेरे अलावा और किससे? मुझे डर है मेरी लव स्टोरी अधूरी ना रह जाए। लव स्टोरी का फिर? हाँ भाई, मेरी लव स्टोरी बहुत कंफ्यूजिंग है। मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ वो किसी और से प्यार करती है। इसमें क्या नई बात है भाई, आजकल तो लड़कियाँ कपड़ों के साथ साथ बॉयफ्रेंड बदलती रहती है। स्टोरी कंटिन्यू करो। उस लड़की को अपना बनाने के लिए मेरे पास ओनली 10 डेज का टाइम। अच्छा? है। अगर इतने टाइम में मैंने उसे नहीं पटाया ना, तो वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ पटाया जाएगा। समझ गया। तुम्हारी लव स्टोरी का अच्छा एंडिंग होगा, तभी तुम्हारा डर भागेगा। हाँ। इसका मतलब मैं रात को चैन से सो सकूंगा ना। चुप कर, आप चलो रखो भाई, हम सब मिलके आपकी लव स्टोरी का हैप्पी एंडिंग करेंगे। अच्छा तो एक काम कीजिए, बोलो ना, उस लड़की को 1 घंटे में रास्ते पर ले आइए। अरे ये कैसा प्यार है भाई, शाहजहां ने तो अपनी बेगम के लिए ताजमहल बनवाया था और आप एक अपने प्यार को रास्ते पर लाना चाहते हैं। माल की दुकान, चुप कर। तुम बोलो ना भाई। उसे पता ना चले कि मैं करवा रहा हूँ और ये भी कि आप कर रहे हैं। ना डराना है ना धमकाना है, कोई नुकसान भी नहीं पहुँचाना है, लेकिन 1 घंटे में उसे रास्ते पर लाइए भाई। कैसे ना डराना है ना धमकाना है, कैसे करेंगे? कैसा है भाई तुम्हारा बंगला? तो टॉप टू बॉटम एकदम ढींचाक चमक रहा है। तेरे बालों में आग लगी है? आग तो बहुत जगह लगी है। नीचे जो तुम्हारी किराएदार है ना, उसको फटाक से 9-11 करने का है। काम भी हो जाएगा, अपुन की आग भी ठंडी हो जाएगी। सिंपल, मैं ऊपर वाले के इशारे पे काम करता हूँ, क्योंकि मुझ में उसी की शक्ति है। क्या किया आपने? मैंने तो सिर्फ स्पर्श किया था। राजू हट गया। बाजू, तुझसे नीचे का कमरा खाली करवाने को कहा, तूने मर्डर कर दिया। मुझे नहीं रहना, मैं भी मर जाऊंगा। हाथों में हाथ, मर गए क्या? दो पुरुषों में मैं ये अनोखा प्यार पहली बार देख रहा हूँ। बाप रे, अरे अरे सुनिए तो, बंद, दो लोग और आ रहे हैं, बलि चढ़ने। अब मैं और नहीं सकता। मैडम जरा टीवी तो लगाइए, उसमें हम भूतों का सीरियल आ रहा है। लटकाओ। अरे क्या हुआ, कुछ बताओगे? कहानी लंबी किए बिना तुम चुपचाप ये मकान खाली कर दो। धंधा क्यों डाला? धंधा छोड़ो, धंधे की बात करो, नहीं तो मैं तुम्हारी वजह से सीधा ऊपर पहुंचाऊंगा। कैसे खाली करते बताओ तो। वजह ये है कि आज मेरे से बहुत हत्याएं हो चुकी है। ऊपर पहुंच जाओगे। रोना स्टॉपिंग, तुमने तो बड़े पुण्य का काम किया है। इनकी आत्मा अब जाके डायरेक्ट परमात्मा से मिलेगी, इसलिए अब इन्हें ले जाओ। अरे ये आंटी को लेकर किधर जाए? अपने घर का हीटर खराब है ना। ओ, अब दूसरी अफसरा ढूंढनी पड़ेगी। आंटी तो साज मुझ तुम तो मरिंग, अब कैसे खड़े हो? I'm sorry. अब तो ठीक है ना? Yes, only letting. पकला गया। चलो रे, बीवी के जाते ही ये घर स्वर्ग हो गया। अब क्या डराया हुआ है इसको यार। ओए होए 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 भाई साहब। उसने जाके उसको जिसको खाली करवाना था जाके बोलता मेरे हाथ से आते और ये तुम काम कराया खाली जल्दी करते। यार वो डर वाला क्या सीन था बे। वो कहता है भाई साहब तुम लोग वहां पर आए थे, तुम लोगों ने बोला मैं सबको गाड़ दूंगा, तो भाई साहब मैं डर के मारे इधर आया हूँ। भाई मुझे डर लग रहा है, मैं तब डर के मारे आपको मार रहा हूँ। अब किसी गंडे फोड़ किसी को कैसे मारे? वो जो बेसबॉल एंड में उसने
उठाया ना लोहे वाला, सबने पकड़ लिए। कहता ही वो जो मेन बंदा है का, कहता मेरी 2 महीने बाद शादी होने वाली है। तो वही ना यार, वो तो कसम से पागल हो गई यार। और फिर FIR भी काटा है, कहता है मैंने उनको मारा कि वो डर के मारे मेरे खिलाफ FIR ना काटने। अब क्या चीज है यार। ओ यार बहुत हैवी हो रहा, बहुत हैवी यार। और फिर शराब भी पीने लगा है तो वहां भी उसने कांड कर, कहता नहीं जब तक मुझे प्यार नहीं मिलेगा मेरा डर नहीं दूर होगा। और वो लगता है वो लड़के उसे भाई से प्यार करता ही हो, क्या नाम है यार अपना, ये हाँ पूजा भट्ट नहीं हुआ है यार, बड़ा मजे का नाम तमन्ना भाटिया। हाँ तमन्ना भाटिया जी, वो लगता है उसे प्यार करते तो वो रोले हुए, तो भाई तब उसके साथ ये ऐसा काम। तो उनके साथ गेम कैसे खेला, उसने जरा सा यूं झटका दिया वो जाके दीवार के साथ लग गई, और एक तो दे के मुंह से पानी, और एक तो खिड़की से छलांग मार दी, और वो खुद भाई साहब अपने आप को भाई साहब वो सुसाइड करने का अटेम्प्ट किया, और दोनों को कहता निकलो यहाँ से। और देख कैसा कामयाब हो गया यार वो, जाके उसने लड़की वाले को खुद फांसी लटका, कहता नहीं तुम घर खाली कर लो। यार बहुत मजा आ गया यार, कसम से। आपकी क्या थॉट इस बारे में, इधर ही विरोध करते तो